से अल्लाह तबारक व तआला हम इंसानों को एक मैसेज देना चाहता है, ऐ मेरे बंदो, ज़रा घोड़े से भी सीखो, एक जानवर से इबरत हासिल करो, नसीहत पकड़ो। एक जानवर होने के बावजूद मालिक के इशारे पे नाचता है, मालिक के इशारे पे अपने जान को निछावर कर देता है, बस दो टाइम के खाने की वजह से। मेरे बंदो, मैंने तुम्हें इतनी सारी चीज़ें दी है, इतनी इतनी नेमतें दी है, तुम मेरे लिए क्या करते हो? तुमको मेरे लिए क्या करना चाहिए? तो कसम खाने की नौबत आए, कसम खाने की ज़रूरत पड़े, कसम खाना चाहते हैं तो सिर्फ़ एक अल्लाह की कसम खा सकते हैं। अल्लाह के अलावा किसी की भी कसम नहीं खा सकते, चाहे माँ की हो, बाप की हो, बेटी की हो, मस्जिद की हो, घर की हो, ज़मीन की हो, छत की हो, किसी की कसम नहीं खा सकते। कसम खाना है तो अल्लाह की। अलार्म लगाने के बाद भी अगर आप मोबाइल को स्विच ऑफ कर देते हैं, बंद कर देते हैं ना, फिर भी टाइम होने पर अलार्म बजने लगेगा। टाइम होने पे अलार्म बजने लगेगा। गोएगा कि मोबाइल को भी मालूम है कि जिस मकसद के लिए मुझे बनाया गया है वो मकसद मुझे अंजाम देना है। लेकिन अगर समझता नहीं है तो इंसान जिस मकसद के लिए बनाया गया उस मकसद को भूल गया है। हमने अपने मकसद को पहचाना? हमें अल्लाह ने क्यों बनाया इस मकसद को पहचाना? कम से कम एक जानवर से हमें नसीहत हासिल करनी चाहिए। एक कुत्ता को पालने वाला कुत्ता को जब पालता है, शिकारी बनाता है, जब मालिक कहता है उसको पकड़ो तो दौड़ती हुई जाता है, मालिक कहता है चले आओ चले आता है, मालिक कहता है फला जगह जाओ फला जाओ, दौड़ती हुई जाता है। लेकिन हम लोग कितना भी ऑफा है, किस कदर भी ऑफा है, और कहाँ हम लोग गिर गए हैं कि अल्लाह तबारक व तआला हमें कहे, लेकिन क्या मजाल हमारी कान में जू तक रिंग जाए। और ये दाएं तरफ मुड़ के कहा जाता है हय अलस्सला, आओ नमाज की तरफ, और बाद में दूसरा जुमला होता है हय अलफला, आओ कामयाबी की तरफ। मतलब ये हुआ पहले नमाज पढ़ोगे तो कामयाब होगे, पहले आओ नमाज पढ़ो और बाद में कामयाबी हासिल करो। मेरे प्यारे भाइयों, आप नमाज को छोड़ के कितनी भी कामयाबी तलाश करें वो कामयाबी नहीं है। वमन युनिल्लाह फमा लहू मिन मुकरिम, अल्लाह जिसको जलील कर दे, अल्लाह जिसकी इज्जत छीन ले, अल्लाह जिसके जिस्म से इज्जत की चादर उतार ले, फमा लहू मिन मुकरिम, उसे कोई इज्जत दे ही नहीं सकता। तो गोए कि अल्लाह तबारक व तआला ने जो बनाया, जिसको बनाया, जैसा बनाया वैसे ही अपना काम करता रहता है। लेकिन हम इंसानों को अल्लाह ने बनाया था इबादत के लिए और हम लोग फंस गए रोजी कमाने के लिए। أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير وقال تعالى في موضع آخر ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس وكثير حق عليه العذاب ومن يهن الله فما له من مكرم إن الله يفعل ما يشاء। محترم بزرگو دوستو عزیز ساتھیو چھوٹے پیارے بچو پردہ نشین خواتین اسلام, मैंने आपके सामने एक मुख्तसर सूरत उसकी तिलावत की है। आज के इस खुतबा जुमा में उस सूरह करीमा की तफसीर आपके सामने पेश की जाएगी। इस सूरतुल आदियात, इस सूरह करीमा में कुल 11 आयतें हैं और ये 100 नंबर की सूरत है। पहली इब्तदाई 5 आयतों में अल्लाह तबारक व ताला ने
कुछ जानवरों की कसम खाई है। और बकिया अगली 6 आयतों में अल्लाह ताला ने नसीहत की है। तो 5 आयतों में किस जानवर की कसम खाई गई है और कसम खाने का मकसद क्या है वो मुलाहजा हो। पहली आयत है वल्आदियाति ज़बहा, कसम है उन घोड़ों का जो दौड़ते हुए हाँप जाते हैं या हिनहिनाने और हाँपने वाले घोड़ों की कसम जो दुश्मन की तरफ तेज़ी से बढ़ते हैं दौड़ते हैं। दूसरी आयत फलमूरियाति कदहा, कसम है उन घोड़ों की जिनके टापों से जिनकी टापों की रगड़ से पत्थरों से आग निकलती है। फलमुगीराति सुबहा, तीसरी आयत कसम है उन घोड़ों की जो सुबह के वक्त हमला करते हैं। फ़अतर नबिही नक़ा, पस वो गर्दो गुबार उड़ाते हैं। फवसत नबिही जमा, पांचवी आयत और वो गर्दो गुबार के होते हुए भी जमात और जमईयत के अंदर घुस जाते हैं हमला करते हैं। ये 5 आयतें हैं और 5 आयतों में अल्लाह तबारक व तआला ने कसम खाई है। किसकी? इख्तिलाफ़ है लेकिन राजे कौल जो मालूम होता है वह है घोड़ों की। अल्लाह तबारक व तआला ने 5 आयतों में घोड़े की कसम खाई है, घोड़ा जो जानवर है उसकी कसम खाई है। आपने सोचा अल्लाह तबारक व तआला ने घोड़ों की कसम क्यों खाई है? इसलिए घोड़ा एक ऐसा जानवर है, ऐसा वफादार जानवर है कि वो घोड़ा अपने मालिक के इशारे पे अपने जान को निछावर कर देता है। अपने मालिक के इशारे पे मालिक को लेकर के इतनी स्पीड और इतनी तेज़ी से तेज़ रफ्तार से दौड़ते हैं कि उनके पैर से ताप से आग की चिंगारी निकलती है और अपनी जान की परवाह किए बगैर जमात और जमीयत में घुस जाते हैं। बस अवकात ऐसा भी होता है कि सामने वाला जब वार करता है हमला करता है तो घोड़े पर बैठे शख्स को लगने के बजाय घोड़े को लग जाता है और घोड़ा ही मर जाता है। लेकिन घोड़ा को मालूम है कि मैं भी मर सकता हूँ लेकिन फिर भी वो अपनी जान की परवाह किए बगैर जमात के अंदर घुस जाता है। क्यों घुसता है? सवाल, क्यों घुसता है? जवाब, इसलिए घुसता है क्योंकि उसे मालिक का वफादार बनना है। मालिक उसे चूंकि 2 टाइम का खाना देता है तो 2 टाइम के खाने देने से घोड़ा इतना एहसानमंद हो जाता है कि अपने जानों की परवाह किए बगैर वो दौड़ते फिरता है और अपनी जान की बाजी लगा देता है। इससे अल्लाह तबारक व तआला हम इंसानों को एक मैसेज देना चाहता है, ऐ मेरे बंदो ज़रा घोड़े से भी सीखो, एक जानवर से इबरत हासिल करो, नसीहत पकड़ो कि घोड़ा होने के बावजूद एक जानवर होने के बावजूद मालिक के इशारे पे नाचता है, मालिक के इशारे पे अपने जान को निछावर कर देता है बस 2 टाइम के खाने की वजह से। मेरे बंदो मैंने तुम्हें इतनी सारी चीज़ें दी है, इतनी इतनी नेमतें दी है, तुम मेरे लिए क्या करते हो? तुमको मेरे लिए क्या करना चाहिए? इसीलिए आगे अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया इन्नल इंसाना लिरब्बिही लकनूद, इंसान अपने रब का बड़ा ही नाशुकरा है। आप एक तरफ इंसान को रखिए और एक तरफ घोड़ों को रखिए और दोनों में मुवाजना कीजिए कि घोड़ा अपने मालिक का वफादार सिर्फ इसलिए है क्योंकि मालिक उसे खिलाता है, पिलाता है, उसे रहने का ठिकाना देता है। और एक तरफ इंसान को रखिए, खिलाने पिलाने रहने के ठिकाना देने के अलावा अल्लाह तबारक व ताला ने उन्हें शुरू से बचपन से पाला पूसा बड़ा किया और मरते दम तक उसकी निगेबानी करता है।
इसके बावजूद इंसान अपने रब का कितना एहसान बजा लाता है, कितना शुक्र बजा लाता है, और घोड़ा को देखो वो कितना शुक्र बजा लाता है। ये जानवर की वफादारी है, अगरचे जानवर का वो हकीकी मालिक नहीं है, उनका हकीकी रब नहीं है, फिर भी खाने की लालच में इतनी कोशिश करता है कि अपनी जान की बाजी लगा देता है। तो इंसान, तुम्हें अपने रब का कितना शुक्र अदा करना चाहिए। और यहाँ पर एक सवाल, अल्लाह तबारक व तआला ने घोड़ों की कसम खाई है, तो क्या हम लोगों के लिए किसी जानवर का कसम खाना जायज़ है? माँ या बाप की कसम खाना जायज़ है? मस्जिद या कुरान की कसम खाना जायज़ है? किसी बच्चे पर हाथ रख के कसम खाना जायज़ है? कतान नहीं मेरे प्यारे भाइयों। हमारे लिए, आपके लिए, दुनिया वालों के लिए एक ही ज़ात की कसम खाना जायज़ है, और वो है अल्लाह। जब भी आपको कसम खाने की नौबत आए तो आप कसम खाए तो सिर्फ अल्लाह की कसम और कुरान की कसम खा सकते हैं, लेकिन हाथ में लेकर नहीं खा सकते। क्यों हाथ में लेकर इसलिए नहीं खा सकते? क्योंकि जो दफ्ती है, जो कागजात है, ये मखलूक है, और मखलूक की कसम खाना जायज़ नहीं है। कुरान मजीद की कसम खा सकते हैं बिला छोए। क्यों? इसलिए कुरान अल्लाह ताला का कलाम है, अल्लाह की सिफत है। तो कसम खाने की नौबत आए, कसम खाने की ज़रूरत पड़े, कसम खाना चाहते हैं तो सिर्फ एक अल्लाह की कसम खा सकते हैं, अल्लाह के अलावा किसी की भी कसम नहीं खा सकते। चाहे माँ की हो, बाप की हो, बेटी की हो, मस्जिद की हो, घर की हो, ज़मीन की हो, छत की हो, किसी की कसम नहीं खा सकते। कसम खाना है तो अल्लाह की। इसीलिए अल्लाह के रसूल ने फरमाया, मन हालिफन, जिसको कसम खाना हो, फल यहलिफ बिल्ला, तो उसे चाहिए कि वह अल्लाह की कसम खाए, अवल यस्मुत, या तो फिर खामोश रहे। उसे गैरुल्लाह की कसम नहीं खानी चाहिए, लेकिन अल्लाह के लिए जायज़ है। अल्लाह चाहे तो किसी की भी कसम खाए, अल्लाह चाहे तो किसी की कसम खाए, चाहे जानवर की कसम खाए, चाहे फलों की कसम खाए। जैसे फरमाया, वत्तीन वज़ैतून, कसम है इंजीर की और कसम है जैतून की। तो अल्लाह तबारक व तआला जिसकी चाहेगा कसम खाएगा। वज़ुहा, कसम है चाश्त के वक्त का। वल्लैल इज़ा सजा, और कसम है उस रात का जब रात छा जाए। तो अल्लाह ताला के लिए जिस चीज़ का भी चाहे अल्लाह ताला कसम खा सकता है, लेकिन अल्लाह के बंदों के लिए सिर्फ अल्लाह के अलावा किसी और चीज़ की कसम खाना जायज़ नहीं है। तो अल्लाह ताला ने फरमाया, मेरे बंदों, घोड़ों को देखकर नसीहत हासिल करो, वो दो टाइम के खाने की वजह से अपने मालिक का इतना बड़ा शुक्र बजा लाता है कि अपने जान की बाजी लगा देता है। तो तुम मेरे लिए क्या करते हो, तुमको क्या करना चाहिए? ये बहुत बड़ी नसीहत है। अल्लाह तबारक व ताला ने दुनिया में जो कुछ भी बनाया, तमाम के तमाम चीज़ें अल्लाह तबारक व ताला का शुक्र अदा करता है। यहाँ तक कि अगर दुनियावी चीज़ों को अगर हम देखें, दुनियावी चीज़ जिसको इंसान अपने हाथों से बनाता है, वो भी अपना मकसद हकीकी को नहीं भूलता, नहीं भूलता। आपके पास जो मोबाइल है, मोबाइल का असल काम क्या होता है आपको मालूम है? उसका ओरिजिनली काम, किस काम के लिए इसको बनाया गया? बहुत सारे वजूहात है, बहुत सारे काम हो सकते हैं, लेकिन मैं समझता हूँ उसका असल काम है बात करना। फ़ोन आए तो बात करना असल काम समझता हूँ। आप जब मोबाइल चलाते हैं, चाहे आप मोबाइल में गेम खेलें, चाहे मोबाइल में आप कुछ लिखें, किसी को चैटिंग करें, मैसेज लिखें, लेकिन अगर आपका दोस्त आपको फ़ोन करना चाहता है ना, तो फट से फ़ोन आएगा, आपका तमाम काम बंद करके आपको जो नंबर वो शो करेगा और बताएगा, फ़ोन रिसीव करो, बात करो। तो गोए कि एक मोबाइल हमें सबक देता है कि मुझे बनाने वाले ने असल मकसद ये रखा है कि मैं बात करवाऊँ, लिहाजा फ़ोन आया है, तमाम काम वफ, अब इसको ऑन करो, बात करो। आपको मालूम होगा जो मोबाइल में अलार्म लगाते हैं, अलार्म लगाने के बाद भी अगर आप मोबाइल को स्विच ऑफ कर देते हैं, बंद कर देते हैं ना, फिर भी टाइम होने पर अलार्म बजने लगेगा, टाइम होने पे अलार्म बजने लगेगा। गोया कि मोबाइल को भी मालूम है कि जिस मकसद के लिए मुझे बनाया गया है, वो मकसद मुझे अंजाम देना है। अगर मैंने अपना काम नहीं किया तो मैं बेफायदा का हो गया। लेकिन अगर समझता नहीं है तो इंसान जिस मकसद के लिए बनाया गया उस मकसद को भूल गया है।
मकसद क्या था? अल्लाह ने फरमाया वमा खलक़तुल जिन्न वल इंस इल्ला लियबुदून, मेरे बंदो मैंने तुम्हें मेरी इबादत के लिए बनाया है। अल्लाह ने हमें आपको पूरी दुनिया वालों को जिन इंसान को इबादत के लिए बनाया है, लेकिन हम उसको भूल गए हैं, हमने अपने असल मकसद को भुला दिया है। लेकिन छोटा से छोटा सामान वो अपना मकसद हकी को नहीं भूलता है। हम लोग क्या कर रहे हैं ये सोचने की ज़रूरत है मेरे प्यारे भाइयों। अगर अजान होती है तो अजान सुनने के बाद हमारा मकसद क्या होना चाहिए? जैसे कि मोबाइल पे रिंगटोन बजता है तो उसका मकसद ये कि फ़ोन रिसीव करो, तो अजान होती है उसका मकसद ये कि हम तमाम काम छोड़ के नमाज की तरफ दौड़ते हुए आए, तमाम काम बंद करके नमाज की तरफ दौड़ते हुए आए। मैं एक सवाल करता हूँ, छोटा सा सवाल, और जवाब आप अपने दिल से दीजिएगा। अगर आपका दोस्त रात के 12 बजे या इससे भी गहरी रात को, आधी रात को आपको कॉल करे, दोस्त फला मुसीबत में हूँ ज़रा प्लीज़ दौड़ते हुए आओ, तो आपका जवाब क्या बनेगा? आप क्या कहेंगे? अरे यार नींद आ रही है, दो घंटे रुक जाओ ना, सुबह होने दो फिर आता हूँ, ऐसे बोलिएगा। और आप ऐसा कहेंगे तो आप हकीकी दोस्त किसी भी सूरत से कहलाने का हक नहीं रखते हैं। गोए कि एक दोस्त की पुकार पे आप इस तरह से लपकेंगे कि मिनटों में अगर पहुँचना था तो सेकंडों में पहुँचेंगे, आप जल्दी से पहुँचेंगे। लेकिन वही अल्लाह तबारक व ताला की तरफ से पुकारने वाला पुकारता है, हय अलस सला हय अलल फला अस्सलातु खैरु मिनन नौम की निदा लगाता है, तो उस वक्त आपका जवाब क्या होता है? दिल से जवाब मांगा हूँ, उस वक्त आपका जवाब क्या होता है? आओ नमाज की तरफ, आओ कामयाबी की तरफ, मेरे बंदो नमाज नींद से बेहतर है, तो उस वक्त आपका जवाब क्या होता है? नहीं आएंगे हम, होने दो, हम नहीं जाएंगे, अल्लाह हमें माफ़ कर देना, हम नहीं जाएंगे, ये जवाब होता है ना। तो क्या हम हकीकी बंदा हैं? हमने अपने मकसद को पहचाना? हमें अल्लाह ने क्यों बनाया इस मकसद को पहचाना? कम से कम एक जानवर से हमें नसीहत हासिल करनी चाहिए। एक कुत्ता को पालने वाला कुत्ता को जब पालता है, शिकारी बनाता है, जब मालिक कहता है उसको पकड़ो तो दौड़ती हुई जाता है, मालिक कहता है चले आओ चले आता है, मालिक कहता है फला जगह जाओ फला जाओ, दौड़ते हुए जाता है। लेकिन हम लोग कितना भी ऑफा है, किस कदर भी ऑफा है, और कहाँ हम लोग गिर गए हैं कि अल्लाह तबारक व ताला हमें कहे, लेकिन क्या मजाल हमारी कान में जू तक रिंग जाए, कोई ख्याल ही नहीं। अल्लाह ताला इतनी प्यारी आवाज़ से बुलाता, आओ बंदो नमाज के लिए आओ। और एक अजीब बात बतलाता हूँ, मौज़िन लोग जानते हैं और अजान देने वाले अजान सुनने वाले जानते हैं कि पहले हय अलस सला कहा जाता है और बाद में कहा जाता है हय अलल फला। मालूम है दो जुमले का तर्जमा क्या है? हय अलस सला, आओ नमाज की तरफ, और ये दाएं तरफ मुड़ के कहा जाता है हय अलस सला, आओ नमाज की तरफ, और बाद में दूसरा जुमला होता है हाई आल अलफला, आओ कामयाबी की तरफ। मतलब ये हुआ पहले नमाज पढ़ोगे तो कामयाब होगे, पहले आओ नमाज पढ़ो और बाद में कामयाबी हासिल करो। मेरे प्यारे भाइयों, आप नमाज को छोड़ के कितनी भी कामयाबी तलाश करें, वो कामयाबी नहीं है। चाहे आपको 5 साल के लिए कुर्सी ही मिल जाए, चाहे 10 साल के लिए मिल जाए, वो कामयाबी नहीं है। यह हमारी आपकी निगाहों की कामयाबी है, असल कामयाबी आओ नमाज की तरफ। पहले कहा जाता नमाज पढ़ो और बाद में कहा जाता है कामयाबी लो, मालूम ही हुआ कि नमाज ही में कामयाबी है। तो अल्लाह तबारक व ताला हमें किस किस तरह से बुला रहा है अपनी मगफरत की तरफ, अपनी जन्नत की तरफ, लेकिन हम ही लोग बदनसीब हैं, उसे हम लेना नहीं चाहते हैं। तो अल्लाह ने फरमाया इन्नल इंसान अली रब्बी लकनूद, इंसान अपने रब का बड़ा ही नाशुक्र है, वो शुक्र अदा नहीं करता। इंसान के अलावा, जिन के अलावा दुनिया में शायद ही ऐसा कोई मखलूक हो जो अल्लाह तबारक व ताला का शुक्र न बजा लाए। आइए आयत करीमा आपको सुनाते हैं। अल्लाह तबारक व ताला ने इरशाद फरमाया अलम तर अन्न अल्लाह यस्जुदु लहू मन फिस समावाति व मन फिल अर्द, क्या आपने नहीं देखा, क्या आपने नहीं देखा कि अल्लाह तबारक व ताला के लिए सजदा करते हैं, मन फिस समावाति व मन फिल अर्द, जो कुछ आसमानों में है और जो कुछ ज़मीनों में है, तमाम के तमाम चीज़ अल्लाह के लिए सजदे में गिर जाते हैं।
वश्शम्सु वल कमर, चांद भी सजदा करते हैं और सूरज भी सजदा करते हैं। अल्लाह अकबर, चांद और सूरज इतने बड़े मखलूक हैं, ये भी अल्लाह को सजदा करते हैं। वन नजूम, और सितारे भी, जो तारे देखते हैं, तमाम के तमाम सितारे अल्लाह ताला के सामने सरबा सजूद होते हैं। और आगे कहा वल जिबाल व शजरु व दवाब, जो पहाड़ देखते हैं ना, ऊंचे ऊंचे बड़े बड़े पहाड़, ये पहाड़ भी अल्लाह को सजदा करते हैं। और दरख्त भी, ये दरख्त अशजार भी सजदा करते हैं। और वह दवाब, चौपाए भी, अब वो चौपाए चाहे चार पाँव वाले हो, दो पाँव वाले हो, एक पाँव वाले हो, सब के सब चरिंद परिंद अल्लाह तबारक व तआला को सजदा करते हैं। वकसीरुम मिनन्नास, और बहुत सारे लोग भी अल्लाह को सजदा करते हैं, लेकिन वकसीरुन हक्का अलैहिल अज़ाब, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन पर अजाब साबित हो चुकी है। अल्लाह अकबर, अल्लाह ताला फरमा रहा है कि आपने नहीं देखा अल्लाह के लिए आसमान में ज़मीन में मौजूद तमाम के तमाम चीज़ें सजदा करती है, यहाँ तक कि चांद भी, सूरज भी, पहाड़ भी, दरिया भी, और दरख्त भी, और चरिंद परिंद तमाम के तमाम जानवर भी सजदा करते हैं, और लोगों में से बहुत सारे लोग भी सजदा करते हैं, लेकिन लोगों की अक्सरियत ऐसी भी है जिस पर हक्का अलैहिल अज़ाब, अज़ाब साबित हो चुका है। और अल्लाह ने फरमाया वमन युहिनिल्लाहु फमा लहू मिन मुकरिम, अल्लाह जिसको जलील कर दे, अल्लाह जिसकी इज्जत छीन ले, अल्लाह जिसके जिस्म से इज्जत की चादर उतार ले, फमा लहू मिन मुकरिम, उसे कोई इज्जत दे ही नहीं सकता। इज्जत कहाँ मिलेगी हमें, इज्जत किसके पास मांग रहे हैं आज लोगों से इज्जत, भाई हमें वोट देना, भाई हमें वोट देना, भाई हमें वोट देना। काश 5 साल तक अगर आप खिदमत किए होते ना, आज आपको बोलना भी नहीं पड़ता, आप पालंग पे आराम से सोते ना, फिर भी आप जीत के आते। आज मांगने की वजह यही है, आ ईमानदार सच्चा पक्का फक्का, और वोट मिल जाने के बाद भूल गए 5 साल के लिए। तो फमा लहू मिन मुकरिम, अल्लाह ताला अगर जलील कर देती, इज्जत देने वाला कोई है ही नहीं। इन्नल्लाह यफ़अलु मा यशा, अल्लाह जो चाहता हो करता है, तो इज्जत मिलेगी अल्लाह के पास, और जिल्लत अल्लाह की तरफ से नाजिल होती है। इज्जत चाहिए तो रुजू इल्लाह, अल्लाह की तरफ पलटाइए, और अल्लाह तबारक व तआला इज्जत देगा। मेरे प्यारे भाइयों, अल्लाह तबारक व तआला ने जो बनाया, जो कुछ बनाया, इंसान जिनके अलावा किसी ने भी अपना मकसद नहीं भूला है, किसी ने भी मकसद नहीं भूला। अल्लाह तबारक व तआला सूरह यासीन की आयत नंबर 39 और 40 में फरमा रहा है वल कमर कद्दरनाहु मनाज़िल हत्ता आदा कलुरजूनिल कदीम, हमने चांद के लिए उसके मनाजिल मुतय्यन कर दिए हैं, और अपने अपने मंजिल में रोज़ तुलू होता है। चांद के लिए 28 मनाजिल है, और डेली एक एक मंजिल को तय करता है। हत्ता आदा कल उर्जूनिल कदीम, यहाँ तक कि चांद दोबारा फिर खजूर की सूखी हुई शाख की तरह हो जाता है। देखेंगे आप, जब चांद तुलू होता है, पहले दिन का होता है, तो बिल्कुल बारीक सा होता है, उसके बाद थोड़ा सा मोटा होता है, फिर थोड़ा मोटा है, 14 दिन 15 दिन का जब चांद हो जाता है तो बिल्कुल पूरा हो जाता है, और आहिस्ता आहिस्ता चांद घटते घटते ख़त्म हो जाता है। तो अल्लाह ने कहा हमने चांद को जिस मकसद के लिए बनाया, वो अपना मकसद नहीं भूला, जहाँ उसको तुलू होना है वही तुलू होता है। और आगे फरमाया लशमशु यम्बगी लहा अन तुद्रिकल कमर वलल्लैल वसाबिकुन नहार वकुल्लु फी फलकिन यसबहून, सूरज के लिए मुनासिब ही नहीं है कि चांद को पकड़ लेगा, सूरज कभी भी चांद को नहीं पकड़ सकता। वलल्लैलु साबिकुन नहार, और रात दिन से पहले नहीं आ सकता, अल्लाह ने जिसके लिए जो मुतय्यन कर दिया वही उस पर चलता रहता है। वकुल्लु फी फलकिन यसबहून, चाहे चांद हो, सूरज हो, दिन हो या रात हो, हर एक अपने अपने मदार और अपने अपने शेड्यूल पे चलता रहे, किसी के यहाँ गड़बड़ी नहीं है। तो गोए कि अल्लाह तबारक व ताला ने जो बनाया, जिसको बनाया, जैसा बनाया वैसे ही अपना काम करता रहता है, लेकिन हम इंसानों को अल्लाह ने बनाया था इबादत के लिए, और हम लोग फंस गए रोज़ी कमाने के लिए। रोज़ी कमाना कोई बुरी बात नहीं है, कमाने के बाद उसको हलाल जगह पे खर्च करने से रुकना
या हराम तरीके से कमाना एक खराब बात है। अल्लाह ने आगे फरमाया इन्नल इंसान लिरब्बिही लकनूद व इन्नहु अला ज़ालिका लशहीद। इंसान अपने रब का नाशुकरा है तो इंसान खुद इस बात पर गवाह है कि हाँ हम अल्लाह का शुक्र अदा नहीं करते। व इन्नहु लिहुब्बिल खैर लशदीद। और इंसान को माल की बड़ी मोहब्बत है, माल की बड़ी मोहब्बत है, और माल की मोहब्बत होना, माल कमाना ये ख़राब नहीं है। माल कमाइए, लाखों करोड़ों की तादाद में कमाइए, लेकिन खर्च भी अल्लाह के रास्ते में करनी चाहिए और हराम तरीके से बचना चाहिए। आगे अल्लाह ने फरमाया अफला यअलमु इज़ा बुअथिरा मा फिल कुबूर। कि इंसान नहीं जानता कि कब्र में जो कुछ है उसको अल्लाह तबारक व तआला निकाल करके बाहर करेगा और क़यामत के दिन जमा कर देगा। गोये कि अल्लाह तबारक व तआला ने इस सूरह करीमा में तीन बातें बयान फरमाई। एक बीमारी, कि इंसान बीमार है, कौन सी बीमारी है? अल्लाह ने कहा कि ना शुक्रा, वो शुक्रिया अदा नहीं करता, ये बीमारी है। और बीमारी की वजह, बीमार कहाँ से पैदा हुआ? कहा बीमारी पैदा होने की वजह यह है इन्नहु लिहुब्बिल खैर लशदीद, माल की बड़ी चाहत है, और माल ना मिले तो इंसान नाशुक्रा बन जाता है, ये बीमारी की वजह। और इलाज बताया अफला यअलम इज़ा बुअथिरा मा फिल कुबूर, कि कब्रों को नहीं देखता कि कितना माल कमाया, कमाने वाला सब कब्र में चला गया। तो गोए की इलाज भी बताया, बीमारी नाशुक्रा, बीमारी की वजह सबब माल, और इलाज क्या है? कब्र, कब्र की ज़ियारत कर लो, कब्र जाओ, कब्र के पास जाओ तो याद आएगा हमसे बड़े बड़े मालदार इस कब्र में आ गए, हमें भी जाना है। तो इस फिक्र से, इस सोच से इंसान की बीमारी दुरुस्त होगी। और आखिर में कहा गया इन्ना रब्बहुम बिहिम यौमइज़िन लखबीर। अल्लाह तबारक व तआला तमाम चीज़ों की खबर रखता है और क़यामत के दिन तमाम चीज़ों को खोल खोल के बयान फरमा देगा। तो गोए कि इस सूरह करीमा में अल्लाह तबारक व तआला ने अपने बंदों को नसीहत देना चाहा कि देखो घोड़े जो होते हैं दो टाइम के खाने की वजह से अपने मालिक का इतना फर्मा बरदार होता है कि अपने जान की बाजी लगा देता है। तो मेरे बंदो, मैंने तुम्हें छोटे से लेकर, बल्कि माँ के पेट से लेकर के बाहर तक, और बाहर से लेकर फिर कब्र तक, ये मुझे ही पूरे प्रोसेसिंग पास करना है और तुमको यहाँ को ज़िंदा रखना है, तो तुम मेरे लिए क्या करते हो, तुम्हें कितना शुक्र अदा करना चाहिए। तो हम तमाम के तमाम लोगों को अल्लाह तबारक व तआला की शुक्रिया अदा करना चाहिए और अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ते रहना चाहिए। और अल्लाह ने हमें जिस मकसद के लिए बनाया है उस मकसद को हम ना भूलें, उस मकसद को ना भूलें, और मकसद इबादत। अल्लाह तबारक व तआला ने सूरह कसस में बयान फरमाया वला तनसा नसीबका मिनद दुनिया। ऐ मेरे बंदो, दुनिया में तुम्हारा जो हिस्सा है, काम करना है, पैसा कमाना है, इसको भी ना भूलो, कमाओ, लेकिन कब? फ़ैदा कुदियतिस सलात फंतशिरु फिल अर्ज़। जब नमाज हो जाए तो फिर मस्जिद से निकलो और काम में लग जाओ। नमाज के बाद तो नमाज मुकद्दम रहनी चाहिए, हमारे सामने नमाज नंबर वन पे होनी चाहिए, उसके बाद हम काम पे लग जाए। आपको मालूम होगा जब नमाज का वक्त होता है तो खाना काबा का तौब भी उग जाता है, नमाज का वक्त होता है तो खाना काबा का तवाफ भी रुक जाता है। हमारे आपकी तिजारत की क्या औकात है कि नमाज के वक्त भी हमारी तिजारत चलता रहे? अल्लाह अकबर, ज़रा सोचिए, सोचने की बात है कि नमाज के वक्त तवाफ भी रुक जाता है, तवाफ नहीं होता, नमाज होती है, तो नमाज के टाइम हम किसी काम पे लगे रहे हैं, ये हमें कैसे जीबा देगा? अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है अल्लाह ताला हम सबको नेक अमल और नेक समझ की तौफीक दे, अपने मकसद हयात को समझने और फिर उसके मुताबिक ज़िंदगी गुजारने की तौफीक दे। आमीन सुम्मा आमीन।